गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ इस सीरम के बारे में। ये है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। ये एक ऐसा सीरम है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको कहीं भी नेगेटिव सुनने पढ़ने नहीं मिलेगा। तो आखिर ऐसा इसमें है क्या, इसीलिए मैं इसका जब पूरा बॉटल फिनिश कर लिया इसके बाद ही इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो 3-4 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी लगती है और मैं रोज़ यूज़ भी नहीं करती थी। वीक में 2-3 दिन मैंने इसको यूज़ किया है और जो भी मेरे स्किन पे इसने काम किया वो सारी बातें आज शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा इसमें है क्या और क्यों सारे यूट्यूबर्स इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रोज़ हिप के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, रोज़ हिप जेल, ये सारा मैंने यूज़ किया है, इनका रिव्यू भी किया है। तो आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। रोज़ हिप एक फ्रूट होता है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, हेयर के लिए, बहुत सारे स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, एक्सफोलिएट करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, कॉलेजन को बूस्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसमें रोज़ हिप ऑयल यूज़ किया गया है, यही कारण है कि ये इतना ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। और इसके की इन्ग्रीडियंट्स की बात करूँ तो इसमें है सेसमे ऑयल, मतलब तिल का तेल, जो कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, स्किन को ब्राइटन करने में, लाइटन करने में, स्किन की को हेल्दी बनाने में। इसमें है आमंड ऑयल, विटामिन ई, जोजोबा ऑयल, तो ये सारी चीज़ें स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ड्राई स्किन के लिए तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि ड्राई स्किन की सबसे बड़ी नीड होती है हाइड्रेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती हैं स्किन को, तो ड्राई स्किन वालों को तो ये यूज़ करना ही चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप 25+ हैं, इसके बाद स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन डल हो जाती है, तो ऐसे में आपको ये सीरम तो बिल्कुल यूज़ करना ही चाहिए। ये आपकी स्किन को, मतलब ड्राई स्किन है तो 100% ये आपको सूट करेगा ही करेगा। ये स्किन पे ये कैसा काम करता है, इसे जाने से पहले इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है इसलिए पर्पल पे मिलेगा, या अब अमेजोन पे भी मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। और 10 ml का पैक है, ये 3 साइज़ में अवेलेबल है, तो आपको जो साइज़ अच्छी लगती है आप वो परचेस कर सकते हैं। परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं इसको। इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो 2 साल तक की है, इसको 2 साल तक आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये जो सीरम है स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, ब्राइटन करता है, अनइवन स्किन टोन है उसकी प्रॉब्लम को भी दूर करता है, साथ ही साथ स्किन पे टोनिंग का काम भी करता है, मतलब ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को अच्छे से मेंटेन भी करता है। स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, आपकी स्किन डल हो गई है, यह चेहरा रूखा सूखा हो गया, बेजान हो गया है, तो ऐसे केसेस में आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजिंग के बाद टोनिंग कीजिए, टोनिंग के बाद आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें। फेस एकदम ड्राई होना चाहिए जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, 1-2 ड्रॉप्स ही बस लगेंगे, और फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, और इसके बाद अगर आप दिन में लगाते हैं तो उसके बाद आप सनस्क्रीन भी अप्लाई करना मत भूलें। और अगर आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र स्किप भी कर सकते हैं जब आप इसको लगाएं, क्योंकि ये आपके स्किन को इनफ हाइड्रेशन दे देगा। तो अब बात करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस इस सीरम के साथ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं इसको 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ। अब आपको लगेगा इतना सा बॉटल है और 3-4 महीने से यूज़ कर रही थी, तो मैं इसको रोज़ यूज़ नहीं करती थी, मतलब ऑल्टरनेट डेज पर मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे डर रहता है कि अगर मैं किसी नए प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करूँगी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर रही थी, और बाकी के दिन जो मेरा स्किन केयर रूटीन चलता है वही फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको इसको लगाने के बाद अगर ज़रा भी लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, तो आप इसको रोज़ रोज़ नहीं लगाएं। इसको आप वीक में 2 दिन भी यूज़ करेंगे और पूरी रात यूज़ करके रखेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ड्राई स्किन है तो बिंदास आप हमेशा यूज़ करो, आप दिन में भी यूज़ करो, नाइट में भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके स्किन पे पिंपल्स हैं, एक्टिव पिंपल्स हैं, तब भी आप इसको यूज़ ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपके
पिंपल बढ़ जाएँ। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर स्किन डल हो गई है, और अगर आपको एक्ने स्कार है उस पर भी ये काम करेगा, और स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आएगा आपको इसको लगाने के बाद। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। सीरम तो ये है ही, अगर आप मेकअप करने से पहले एज अ प्राइमर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं यूज़ करने के, तो आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जब मैंने सीरम को लगाना शुरू किया, इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा सिल्की, इतना ज़्यादा स्मूथ आपको फील होगा, आपको लगाने में बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब एक बार आपने इसको यूज़ कर लिया तो आप दोबारा इसको परचेज ज़रूर करोगे, इतना अच्छा है। और तो स्टार्टिंग में जब इसको लगाया तो मुझे स्किन बड़ी सॉफ्ट लगती थी, और क्योंकि एक दो पिंपल होते रहते हैं तो मुझे ये भी डर था कि कहीं ये पिंपल्स ना बढ़ जाएं, पर इसने ऐसा पिंपल को बढ़ाया नहीं। 15-20 दिन हो जाएंगे इसको यूज़ करते करते, तब आपको रियल चेंजेस नज़र आएंगे, जैसे कि आपकी स्किन टोन आपको इवन नज़र आएगी, आपके जो स्कार्स हो जाते हैं इतने पिंपल के वो आपको हल्के दिखेंगे, पिगमेंटेशन पे भी ये काम करेगा, मतलब स्किन को आपकी हेल्दी बनाएगा, दाग धब्बों को दूर करेगा, स्किन का टेक्स्चर अच्छा करेगा, स्किन टोन अच्छा करेगा। अगर आपको सन टैन हुआ है उस पर भी ये काम करेगा, मतलब आपको आपकी स्किन एक दो टोन लाइटन नज़र आएगी। तो ये सारे काम ये आपकी स्किन पे करेगा। एक बार इस सीरम को ज़रूर यूज़ करके देखना, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में ये है और जितना अच्छा ये काम करता है, इस क्वालिटी का अगर आप और किसी ब्रांड का सीरम लोगे तो आपको मतलब 1000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा, और ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है। यही रीज़न है इसके इतने पॉपुलर होने का, क्योंकि इतना सस्ता भी है और बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ऐसी क्वालिटी आपको under 200 rupees में तो नहीं मिल सकती, और ये आप विश्वास नहीं करोगे under 200 प्रोडक्ट है, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट्स तो मिल ही जाते हैं, तो इस पर भी आफ्टर डिस्काउंट आपको under 200 मिलेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। यूज़फुल रहा हो तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स से फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप पर हर जगह शेयर भी करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।